Good morning class. This is our new pathology class in which today we will going to start the next portion of pathology, that is systemic pathology. देखिए systemic pathology के अंदर जो है हम अब systems पढ़ेंगे और systems के अंदर जो भी disorder आ रहा है उसकी pathology हमारे को पढ़नी होती है. तो system जैसे कि respiratory system, cardiovascular system, excretory system, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, CNS, बोन्स एंड जॉइंट्स, ये सभी सिस्टम्स इसके अंदर आएंगे. तो हम जो सबसे फर्स्ट अपना सिस्टम स्टार्ट करें दैट इज़ बोन्स एंड जॉइंट्स. आप जानते हैं नॉर्मल स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन और कार्टिलेज का बना हुआ होता है. कार्टिलेजिनस टिश्यू जो है वो बोन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जॉइंट्स में आर्टिकुलर सरफेस भी बनाता है. बोन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के अंदर वाइटल रोल प्ले करता है. बोन के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन जो कि बोन को स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और ट्रैबिक्यूलर बोन रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. कॉम्पैक्ट बोन तो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. दूसरा है ट्रैबिक्यूलर बोन जो कि कैल्शियम होमियोस्टासिस के अंदर मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, अब इसके बाद जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं, जैसे कि एकोंड्रोप्लेसिया, ऑस्टियोपटायरोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा वगैरह. इन्फेक्शन भी पढ़ते हैं बोन की, जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बोन डिजीज़ के अंदर ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, पैगेट्स डिजीज़ पढ़ते हैं. ट्यूमर लाइक लेसन में फाइब्रस डिस्प्लेसिया, बोन सिस्ट पढ़ते हैं. और ट्यूमर में बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ते हैं. इसके अलावा बोन्स में भाई आप जानते हो फ्रैक्चर एक कॉमन प्रॉब्लम है. भाई एक्सीडेंटली बोन्स का फ्रैक्चर वगैरह कॉमनली देखने को मिल रहा होता है. तो इस फ्रैक्चर की भी जो हीलिंग होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस से ही हो रही होती है. तो बोन फ्रैक्चर भी एक टॉपिक है जो हमारे को पढ़ना होता है और डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में. फ्रैक्चर हीलिंग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो पूछा जाता है. ये फ्रैक्चर हीलिंग हम जनरल पैथोलॉजी में भी पढ़ते हैं और सिस्टमिक पैथोलॉजी में भी ये टॉपिक आता है. क्योंकि जनरल पैथोलॉजी में ये चीज़ मैंने अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है, तो हम इसको सिस्टमिक पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ लेते हैं. फिर जनरल में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि सिस्टमिक में जब हो जाएगा तो जनरल में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं. हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्चर हीलिंग. स्किन वूंड हीलिंग के जैसी ही होती है. ग्रैन्यूलेशन टिश्यू के फॉर्मेशन के साथ में ये शुरू हो रही होती है. इसमें इमैच्योर ओवन बोन बनती है फ्रैक्चर एंड के बीच में. इसको अपन कैलस कहते हैं. ठीक है, फ्रैक्चर सबसे पहले होता क्या है? बोन या पेरिओस्टियम की कंटिन्यूटी, स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर क्या है? बोन या पेरिओस्टियम की स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी का ब्रेक हो जाना फ्रैक्चर कहलाता है. फ्रैक्चर में मैकेनिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और ब्लड सप्लाई का भी पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाता है. मैकेनिकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड सप्लाई का पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. फ्रैक्चर हीलिंग जो है वो स्टार्ट होता है जब बोन ब्रेक हो जाती है. वहाँ से लेकर कंटिन्यूस मॉडलिंग तक कई साल इसके अंदर लग जाते हैं. इट इज़ नॉट एन सिंपल इजी प्रोसेस. अब हीलिंग फ्रैक्चर के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की हीलिंग इसमें देखे जाते हैं, डायरेक्ट या प्राइमरी हीलिंग. जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दो कॉर्टिकल बोन के एंड्स के बीच में बना होता है, जैसे लैमिलर बोन फॉर्म्स डायरेक्टली अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन, तो उस फ्रैक्चर लाइन के बीच में लैमिलर बोन बन जाती है और डायरेक्ट एक्सटेंशन होता है ऑस्टियॉन्स का. इसमें कोई फ्रैक्चर कैलस वगैरह नहीं बन रहा होता, कि मैंने स्टार्टिंग बोला इसमें कैलस बनता है, पर प्राइमरी वाले में अपन कोई कैलस वैलस की बात नहीं करते हैं. बोन हीलिंग मैकेनिज्म जो है अपने आप हो जाएगा अगर फ्रैक्चर साइट पे किसी भी तरह का मोशन नहीं हो रहा होता है, यानी रिजिड इंटरनल फिक्सेशन से हो जाता है. आप सीधा प्लास्टर बांधिए, अपने आप हीलिंग सिंपल तरीके से हो जाएगी. अब सेकेंडरी जो हीलिंग होती है उसमें कैलस फॉर्मेशन होगा. पहले कैलस बनेगा और फिर उस कैलस की जगह पर लैमिलर बोन आ जाएगी.
अब ये कैलस क्या होता है, अभी आगे आएगा भाई कैलस क्या होता है। हीलिंग की मैकेनिज्म फ्रैक्चर में है वो रिजिडली फिक्स्ड नहीं होती, इसमें पेरियोस्टल कैलस की ब्रिजिंग होती है, मेड्यूलरी कैलस बनता है रीस्टैब्लिश होकर के स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। पेरियोस्टल कैलस एक सॉफ्ट कैलस है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन के सॉफ्ट टिश्यू को अपन कैलस कहते हैं, बोन के सॉफ्ट टिश्यू को कैलस कहते हैं। तो जो फ्रैक्चर एंड होता है ना, बोन टूटी जो एंड बीच टूटी बीच में छोटा सा जो टूटी हुई हो तो एंड बन जाएंगे, उन एंड के बीच में सबसे पहले जो बोन बनती है सॉफ्ट टिश्यू के रूप में बनती है जिसको अपन कैलस कहते हैं। ये पेरियोस्टल कैलस पहले बनेगा जो सॉफ्ट कैलस होता है और फिर वो मेड्यूलरी कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको आप हार्ड कैलस कहते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू के हीलिंग के कंपेरेबल होती है, इसमें गैप्स फिल किया जाता है और वैस्कुलर ग्रैनुलेशन टिश्यू के द्वारा उसका जो गैप बच गया, कैलस कहलाओ जो गैप बच गया उसमें वैस्कुलर ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाएंगे। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी हीलिंग अपन बोन्स में पढ़ते हैं। अब कैंसिलस बोन की हीलिंग में क्रीपिंग सब्स्टिट्यूशन होता है, नए नए ब्लड वेसल्स उस कैंसिलस बोन के ट्रेबिक्यूली में आके भर जाएंगी। बोन का अपोजिशन जो है वो मे टेक प्लेस डायरेक्टली ऑन द सॉफ्ट ऑफ ट्रेबिक्यूलम, सरफेस ऑफ ट्रेबिक्यूलम, ट्रेबिक्यूलम की सरफेस पर बोन के अपोजिशन आकर के जुड़ जाएंगे और वो जो किनारे थे वो अब चिपक जाएंगे, जो अपोजिट एंड थे वो चिपक जाएंगे जो अभी अलग अलग हो गए थे फ्रैक्चर की वजह से। तो कैलस बना और कैलस ये जो ट्रेबिक्यूली थी वहाँ पर अब नई बोन बन गई। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले पॉइंट्स पे हीलिंग कैसे होगी, कैंसिलस बोन्स सर्टेनली यूनाइट हो जाती है बहुत तेज़ी के साथ में, बट इट यूनाइट्स रैपिडली ओनली एट द पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कहाँ यूनाइट होगी, जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बोन्स है, बहुत दूर दूर वाली बोन्स कैसे जुड़ सकती है, एकदम पास पास जो एंड्स है वो डायरेक्टली आकर के चिपक जाएंगे। कई में थर्ड पॉइंट क्या है, नो ब्रिजिंग कैलस, कई बार ब्रिजिंग कैलस बनता ही नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग बोला कैंसिलस बोन्स यूनाइट हो जाएगी सीधा कॉन्टैक्ट के द्वारा, इसमें कोई कैलस का बनना नहीं होता। व्हेन इट इज़ ड्यू टू डेंस अटैचमेंट ऑफ द पेरियोस्टियम, बस एक कट ही लगाया था उसमें कोई पोर्शन अलग हुआ ही नहीं, कट लगा वो अपने आप चिपक जाएगा, कोई कैलस की जरूरत नहीं है, सीधा एंड एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे और चिपक जाएंगे। नो डेथ ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, इसमें ऑस्टियोसाइट्स मरती नहीं है, कि जो मर गई अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऑस्टियोसाइट्स नहीं बनती। टेक प्लेस इन कट एजेस, जो कट किनारे थे, कटे हुए किनारे जो बोन्स के थे फ्रैक्चर के दौरान, कट एजेस ऑफ डिवाइडेड ट्रेबिक्यूली इन कैंसिलस बोन, कैंसिलस बोन में डिवाइडेड ट्रेबिक्यूली के कटे हुए किनारों के बीच में से ये प्रोसेस चल रहा होता है। दिस मस्ट बी बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई इज़ गुड, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ बोन में अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही है। ट्रेबिक्यूली स्पेस का लार्ज सरफेस एरिया है जो कलेक्टिवली थिन ट्रेबिक्यूली से जुड़ा हुआ होता है और वहाँ पर ऑस्टियोसाइट्स को नरिश करता रहता है, तो उसको ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई मिल रही है तो वहाँ की सेल डेड नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए, ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो वहाँ की सेल मरती है, अदरवाइज वो मरती भी नहीं है ऑस्टियोसाइट्स। और इसमें लेट कोलैप्स की भी टेंडेंसी होती है। दिस लैक ऑफ कैलस प्रोडक्शन बाई कैंसरस बोन एक्सप्लेन द टेंडेंसी टू लेट कोलैप्स विच हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड, भाई अगर कैंसरस बोन में कैलस नहीं बन रहा तो उसमें कोलैप्स जो है वो लेट होएगा। कोलिज फ्रैक्चर के रिडक्शन के बाद में देखा जाएगा, एक होलो कैविटी बच जाती है कैंसरस एंड में बस। बाकी अगर आप ये पॉइंट्स नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में हीलिंग वाली बात आप बता दीजिए। अब बोन जो बनती है वो कितनी तरह की होती है, तो देखिए ऑस्टियोकॉन्ड्रल, इंटा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, अपोजिशनल न्यू बोन फॉर्मेशन और ऑस्टियोनल माइग्रेशन, ये चार तरह की मैकेनिज्म है। ऑस्टियोनल माइग्रेशन को अपन क्रीपिंग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था। बच्चों में फ्रैक्चर रिपेयर कैसे होता है, तो बच्चों के अंदर जो फ्रैक्चर हीलिंग है वो एकदम सेम पैटर्न पे होता है एडल्ट्स के जैसा ही, बस थोड़े बहुत कुछ पिक्यूलियरिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे पेरियोस्टियम, थिक पेरियोस्टियम होता है बच्चों के अंदर, पेरियोस्टियम स्ट्राइप्स अवे इजीली फ्रॉम द अंडरलाइंग बोन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में जो पेरियोस्टियम है वो थोड़ा सा इजीली स्टेप्स हो जाता है जिससे कि सब्सिक्वेंट अमाउंट में न्यू बोन का फॉर्मेशन हो जाता है उस पूरे शाफ्ट के अंदर। ये पेरियोस्टियम, मेटा ऑस्टियो, ये सारा आपने पढ़े हुए हैं, ये टर्म्स आपको आती है, आपने बोन्स पढ़ी हुई हैं अच्छे से एनाफिजियो में, तो मुझे इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत होगी। अब डेंस अटैचमेंट होगा पेरियोस्टियम में जोन ऑफ रेनवियर के अंदर, सब पेरियोस्टियल हिमाटोमा बनेगा वहाँ पर, मेटाफिजिक और डाइफाइसिस पे आपको सब पेरियोस्टियल हिमाटोमा दिखाई देगा। अब टिश्यू डिस्ट्रक्शन, हिमाटोमा का फॉर्मेशन चलता है,
इन्फ्लामेशन और सेलर प्रोलिफरेशन होगा, फिर कैलस फॉर्मेशन की स्टेज आएगी। पेरिओस्टियम के बाद अपन ने ये पढ़ा कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन हिमाटोमा बनता है, इन्फ्लामेशन सेलर प्रोलिफरेशन होगा, फिर कैलस फॉर्मेशन होगा, फिर कॉन्सोलिडेशन यानी सॉलिडिफिकेशन होगा, फिर रीमॉडलिंग होगी। सबसे पहले तो जब चोट लगी तो चोट लगने पर क्या होगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन। भाई चोट का मतलब टिश्यू डिस्ट्रक्शन ही तो हुआ जब फ्रैक्चर होएगा। फ्रैक्चर हीलिंग के स्टेजेस अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि बोन टूटी, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हुआ और वहाँ पर क्या बना, हीमेटोमा, क्योंकि ब्लड का लीकेज भी होएगा। दूसरा, फिर वहाँ उस जगह सूजन आएगी, सेल्स नई नई वहाँ फिर बननी स्टार्ट होएंगी। सेलुलर प्रोलिफरेशन जब हो जाएगा तो वहाँ कैलस फॉर्मेशन होगा, कॉन्सोलिडेशन होगा, रीमॉडलिंग होगी। ये स्टेप्स हैं भाई, इनको याद कर लीजिए, लिखना एग्ज़ाम में। ये शुरुआत वाली चीज़ें आप बीच बीच की छोड़ भी दे तो चलेगा, पर ये लिखना है एग्ज़ाम के अंदर। अब टिश्यू डिस्ट्रक्शन हिमाटोमा फॉर्मेशन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में हैमरेज होगा, मास ब्लड क्लॉट होगा जिसको आप हिमाटोमा कहते हैं। कहाँ पे, जहाँ फ्रैक्चर साइट है वहाँ पे, वो साइट जो है वो फूल जाती है, वहाँ पे दर्द होता है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये देखिए टूट गया, यहाँ ब्लड इकट्ठा हो गया, लाल लाल रंग का ब्लड दिखाई दे रहा है, हिमाटोमा बन गया है बेचारा। तो ये एकदम क्लोजली दिखाया गया, ये टॉर्न पेरिओस्टियम दिखाया गया और ये हीमेटोमा बीच में बना हुआ, ये डेड बोन है, यहाँ से सेल मर गई ना, ये नेक्रोटिक टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, पेरिओस्टियम इंटैक्ट दिखाई दे रही है, यहाँ बीच में टूट गई हड्डी। अब सेकंड स्टेप होगा इन्फ्लामेशन और सेलुलर प्रोलिफरेशन। 8 घंटे के अंदर अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें नई नई मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स अपना नंबर बढ़ाएंगी, प्रोलिफरेट करेंगी और डिफरेंशिएट होनी स्टार्ट होंगी। वहाँ पे वो कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करती है, जैसे TGF-B का सीक्रेशन करेगी, PDGF का और बहुत सारे BMP फैक्टर्स। तो यहाँ देखो डायग्राम में दिखाया गया है, स्टेज 2 जो है उसमें फाइब्रोकार्टिलेज बन रहा है, सॉफ्ट कैलस अब बनेगा और नई नई ब्लड वेसल्स भी बननी स्टार्ट हो जाएंगी जहाँ पे टूट फूट हुई थी। 3rd स्टेज है कैलस फॉर्मेशन, इसमें फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस जो है वो कुछ दिनों में फ्रैक्चर के बाद बनना शुरू हो जाएगा। कैपिलरीज भी वहाँ पे ग्रो होने लग जाएंगी उन टिश्यूज़ में, और वहाँ पर फैगोसाइटिक सेल्स भी आ जाएंगी ताकि कचरे को वो साफ कर सके, जो टूट फूट हुई है नेक्रोटिक सेल्स वगैरह इकट्ठी हुई उस कचरे को साफ करने के लिए वहाँ पर क्या आ जाएंगी, फैगोसाइटिक सेल्स भी आ जाएंगी। तो ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको कैलस दिखाया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैलस है। इंटरनल कैलस फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेज का बना हुआ है, साथ में वहाँ नई ब्लड वेसल्स बनी है और स्पॉन्जी बोन ट्रैबिक्यूली बन जाती है। ट्रैबिक्यूली क्या होती है भाई, दो चीज़ों के बीच में ब्रिज बनना, दो किनारों के बीच में ब्रिज बनना, उसी को ट्रैबिक्यूली कहते हैं। तो यह बोन के बीच में क्या बन गया, ट्रैबिक्यूली बन गया है। अब ये कैलस फॉर्मेशन की थ्योरी देखिए भाई, दो थ्योरीज बताई गई हैं, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल जो प्रेजेंट होती है सभी एंड ऑस्टियल और सब पेरिओस्टियल सरफेस पर वो कैलस बनाएंगी, या फिर कैलस अराइज होता है नॉन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू सेल से फ्रैक्चर वाले रीजन में, विच आर इंड्यूस्ड इनटू कन्वर्जन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट के कन्वर्जन में ये इंड्यूस होगा। ये कैलस फॉर्मेशन दिखाया गया है, कैलस फॉर्मेशन में ग्रैनुलेशन टिश्यू आया, कार्टिलेज आया और नई नई बोन का फॉर्मेशन बनने लगा। तो नई नई बोन क्या है, वो कैलस ही तो है बेचारी का, ऑर्गेनाइज्ड हिमाटोमा दिखाया गया है यहाँ पर। तो ग्रैनुलेशन टिश्यू और कार्टिलेज से ही कैलस बनेगा। नेक्स्ट स्टेज आएगी कॉन्सोलिडेशन की स्टेज, इसमें न्यू बोन की ट्रैबिक्यूली आपको दिखाई देगी, फाइब्रोजिनस कार्टिलेज फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस में नई ट्रैबिक्यूली दिख जाएगी। ये बोनी कैलस दिख रहा है डायग्राम में, स्पंजी बोन का बोनी कैलस है और यहीं पर ये ट्रैबिक्यूली बन जाएगी। ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस जो है वो खुद ही एक्चुअली हार्ड कैलस यानी बोनी कैलस में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। पहले तो सॉफ्ट था, फिर वहाँ पे रीमॉडलिंग वगैरह होने लगेगी, कैल्सिफिकेशन होने लगेगा, नए नए टिश्यूज़ और प्रोलिफरेट होने लगेंगे, तो वही सॉफ्ट टिश्यू जो है हार्ड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट कैलस हार्ड कैलस में। बोन कैलस जो है 3 से 4 हफ्ते बाद, इंजरी के 3 से 4 हफ्ते बाद बनना शुरू हो जाता है और कंटिन्यू ये सॉलिड होता जाएगा, फर्म होता जाएगा, यूनियन होता जाएगा और इसमें 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंड कर रहा है कितना बड़ा फ्रैक्चर हुआ है। लास्ट है रीमॉडलिंग स्टेज के, अब सॉफ्ट से हार्ड कैलस तो बन गया, अब और रीमॉडल होकर के एकदम नॉर्मल बोन जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। एक्सेस मटेरियल आएगा बोन सॉफ्ट के ऊपर, बाहर से मेडुलरी कैनाल रिमूव हो जाएगी, कॉम्पैक्ट बोन आ जाएगी और रिकंस्ट्रक्ट सॉफ्ट वॉल्स बन जाएगी, सॉफ्ट वॉल्स दोबारा बन जाएंगी। तो ये फ्रैक्चर पूरी तरह से हील हो गया, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल वगैरह सब कुछ आ गई और एकदम अच्छी सी बोन आपकी तैयार हो चुकी है। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम है कैलस
हीलिंग प्रोसेस का, अर्ली इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले, देखो पहले वाला डायग्राम है तो अभी इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन हो रहा है, दूसरी स्टेज में कैलस का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, डायामीटर बढ़ता जा रहा है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में, और तीसरा अब ये जुड़ गए आपस में, अभी तो दूर दूर थे अब ये जुड़ गए, ब्रिजिंग हो गई फ्रेगमेंट्स की। तो बस ऐसे ब्रिजिंग दिखाई दे रही है। इस डायग्राम को भी थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, ये मेडुलरी कैलस दिखाई दे रहा है, हाई डेंसिटी रीजन, लो डेंसिटी रीजन बताएगा, यहाँ डेंसिटी कम है नीचे बी वाले पार्ट में, ये में डेंसिटी ज़्यादा है, इंट्रामेंट्री कैलस बन गया, नॉर्मल हिमाटोपोइटिक मैरो बताया गया है, एक्सटर्नल कैलस और पेरिओस्टल कैलस ऊपर दिखाया गया है। ये कैलस वगैरह के शीप टीबिया के अंदर दिखाई गई है, हिस्टोलॉजिकल पिक्चर वगैरह है, खुद से देख लीजिए ये। अब फ्रैक्चर हीलिंग पर बहुत सारे वेरिएबल्स का फ़र्क पड़ता है, इतनी आसान नहीं है फ्रैक्चर हीलिंग हो जाना, जैसे इंजरी वेरिएबल, ओपन फ्रैक्चर हुआ है, क्लोज फ्रैक्चर हुआ है, तो हिमाटोमा बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, रिपेयरिंग टिश्यू का डिले फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फेक्शन का कोई रिस्क है क्या, इस पर डिपेंड करेगा फ्रैक्चर हीलिंग। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ है, अलाइनमेंट या कॉन्ग्रुइटी जॉइंट सरफेस रिस्टोर्ड नहीं होते, हीलिंग या नॉन यूनियन डिले हो रहा है, जॉइंट में स्टिफनेस है, सेगमेंटल फ्रैक्चर है क्या, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन हो रहा है क्या, ब्लड वेसल्स कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है उन पर डिपेंड करेगा। पेशेंट वेरिएबल के भाई पेशेंट की एज क्या है, बुजुर्गों में धीरे होता है हीलिंग रिपेयरिंग। न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से खा रहे हो, प्रोटीन्स वगैरह पूरा ले रहे हो, तो आप में हीलिंग रिपेयरिंग थोड़ी तेज़ी से होएगी। हीलिंग प्रोसेस में एनर्जी, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इन सब की ज़रूरत होती है, तो ये पेशेंट के वेरिएबल्स हैं। पेशेंट वेरिएबल्स में अब कुछ सिस्टमिक हार्मोन्स, निकोटिन वगैरह भी होते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हीलिंग रिपेयरिंग को कम कर देगा, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाएगा, ऑब्वियस है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन और एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो हैं वो फ्रैक्चर हीलिंग की रेट को बढ़ाते हैं, जबकि रिमेनिंग स्टीरॉयड्स, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरविटामिनोसिस डी और रिकेट्स वगैरह हो जाए तो फ्रैक्चर हीलिंग की रेट कम हो जाती है। निकोटिन अगर आप लेते हैं तो फ्रैक्चर हीलिंग रुक जाएगा, क्योंकि वैस्कुलराइजेशन धीरे होता है। टिश्यू वेरिएबल्स में कैंसिलस बोन है या कॉर्टिकल बोन है, बोन में नेक्रोसिस है क्या यानी सेल डेथ है क्या, इन्फेक्शन है क्या, तो ये सब क्या कर देते हैं, हीलिंग को धीमे कर देते हैं, फ्रैक्चर हील धीरे होएगा। इसके अलावा पर्सन कोई बोन डिजीज है तो फ्रैक्चर हीलिंग ढीली हो जाएगी भाई, धीमे धीमे होती रहेगी, जैसे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है, ये डिजीज़ अपन पढ़ेंगे डिटेल में, या प्राइमरी मैलिग्नेंट बोन का ट्यूमर हुआ है या मेटास्टैटिक ट्यूमर हुआ है, मेटास्टैटिक फैलता हुआ ट्यूमर होता है, फाइब्रस डिस्प्लेसिया हुआ है क्या, बेनाइन बोन का ट्यूमर बना है क्या, बोन में कोई सिस्ट है क्या, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है जिसमें बोन सही बन नहीं पाती, पैगेट्स डिजीज़ या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जैसी बीमारियाँ अगर है तो फ्रैक्चर हीलिंग डिले हो जाएगी। ट्रीटमेंट वेरिएबल्स, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट लोडिंग और एपोजिशन और माइक्रो मोशन बहुत ज़रूरी है भाई, अपने को बोन हीलिंग में क्या करना है, कोई दवाइयाँ तो लगानी नहीं होती, सिर्फ हम क्या करते हैं, प्लास्टर बांधते हैं ताकि वो जो फ्रैक्चर एंड है वो इमोबलाइज रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी हीलिंग अपने आप हो जाएगी। आपका मेन काम क्या है, इमोबलाइज करना, और एपोजिशन किसी तरह का उस पर एपोजिशन ना पड़े, किसी तरह की चोट ना लगे, दबाव ना पड़े, इसका ध्यान आप रखो। लोडिंग फ्रैक्चर साइट जो है वो बोन फॉर्मेशन को स्टिम्युलेट करती है, माइक्रो मोशन भी फ्रैक्चर हीलिंग को प्रमोट करता है, तो ये सब जो है वो बढ़ाते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं फ्रैक्चर हीलिंग को। इसके अलावा फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन बाई ट्रैक्शन कर सकते हो, उस कास्ट का इमोबिलाइजेशन कर सकते हो, एक्सटर्नल फिक्सेशन और इंटरनल फिक्सेशन, पुराने लोग लकड़ी बांध करके ऊपर डोरी बांध दिया करते हैं ताकि बोन हिले नहीं, तो इससे भी अपन ठीक कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट के वेरिएबल्स हैं जो कि फ्रैक्चर हीलिंग को फैसिलिटेट करते हैं ताकि टिश्यू रिपेयर बार बार डिसरप्ट ना हो, रिपीटेडली डिसरप्ट ना हो। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग में बोन जो बन रही है वो किस टाइप की है, कितने अमाउंट में है, किस जगह पर हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा फ्रैक्चर किस टाइप का है, गैप कितनी, कंडीशन क्या है गैप की, बहुत बड़ा गैप है, कम गैप है, फिक्सेशन रिजिडिटी हो रही है नहीं हो रही, लोडिंग कितना हो रहा है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है उस पर्सन का, इस पर भी हीलिंग डिपेंड करती है। फ्रैक्चर हीलिंग के कॉम्प्लिकेशंस में माल यूनियन, डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन, बहुत कम जुड़ रही है, बहुत लेट जुड़ रही है, जुड़ नहीं रही है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बोन्स का।
डेवलपमेंट बोन का कौन से डेवलपमेंट के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सिस्टमिक फैक्टर्स में मेटाबॉलिज्म पर्सन का कैसा है, अगर सही चल रहा है तो हीलिंग अच्छे से होएगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस वो अच्छा खाना पीना कर रहा है, जनरल हेल्थ उसकी कैसी है, उसको बीमारियां हैं या वो हेल्दी पर्सन है, एक्टिविटी लेवल कैसी है, वो फिजिकल एक्टिविटी पर्सन करता है या नहीं करता, टोबैको अल्कोहल का यूज़ अगर कर रहा है तो उसमें फ्रैक्चर हीलिंग लेट होएगी। बस इतना बहुत है आपके लिए फ्रैक्चर हीलिंग। और मैं बता दूं वापस कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहला यही टॉपिक करवाया है। सिस्टम के अंदर सिस्टमिक पैथोलॉजी हमने शुरू कर दी, पहला सिस्टम बोन जॉइंट स्टार्ट किया है और पहला टॉपिक था फ्रैक्चर हीलिंग। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपने CR को जो है वो व्हाट्सअप कर दीजिए, मुझ तक आपके डाउट पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।